अंदर ब्रेन हैमरेज से उनका जो डेथ हुआ था। और पापा के जाने के बाद इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले और परिंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती तो हमें उसकी वैल्यू पता होती, उसकी हम कदर करते, लेकिन जो चीज़ हमारे पास रहती है हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो आज मैं घर के विषय में बात करने वाला हूँ। आपको थंबनेल से ही आइडिया लग गया होगा कि आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ। तो घर दोस्तों, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी का अपना एक प्यारा सा घर होता है। चाहे वो घर एक झोपड़े में हो, चाहे वो घर एक बंगले में हो बड़े लोगों के लिए, लेकिन हर किसी के घर अपने लिए प्यारा होता है, वो एक स्वर्ग होता है। तो अभी बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा इस वीडियो में, अपने घर के विषय में, अपने परिवार के विषय में, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको अपना घर विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ एक छोटा सा मेरा प्यारा सा घर कैसा है। चाहे जैसा भी है वो मेरा अपना घर है, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। तो आइए मैं आपको अपना पूरा घर दिखा रहा हूँ। अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने घर के छत पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको चारों तरफ से दिखा दूँ। ये मेरा घर है, ये मेरी पानी की टंकी है जो कि सीमेंटेड है। वाटर सप्लाई का जो पानी आता है इसमें भरा जाता है। फिर आप ये देख रहे हैं ऊपर ये टिन सेट लगा हुआ है, और ये दो रूम्स हैं ऊपर। फिर आप ये देख लीजिए कि पूरा यहाँ पे बारजे हैं इस तरीके से। और ये मेरा छोटा सा जो मकान है, ये आपका मान के चलिए कि तकरीबन एक बिस्से से कम में, या इसको अगर मैं आपको स्क्वायर फीट में बताऊं तो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट से के अंदर ही आएगी पूरा। और ये काफ़ी पहले का बना हुआ है। मैं आपको रूम दिखा दूं अपना, जिस रूम में मैं रहता हूं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रूम मेरा है, बगल में एक रूम देख रहे हैं, बड़े भाई साहब यहां पे रहते हैं। नीचे कुछ रूम्स है, अभी मैं उसको भी दिखा दूंगा, जहां पे मेरी मम्मी अंकल जी, और किचन क्या है, कहां पर है, कैसे है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये मेरा छोटा सा रूम है जहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना आराम करता हूँ, यहीं पर सोता हूँ। ये अपनी टीवी है, चलती है। और आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने अपनी दीवारों पर इस तरीके से अपनी बड़ी वाली बच्ची का फ़ोटो लगा रखा है, जब वो छोटी थी, 6 महीने 6 महीने 1 महीने और साल भर 2 साल, जैसे जैसे वो बढ़ती बड़ी होती गई, उसका एक एक पिक हमने यहाँ पर लगाया है इस तरीके से। और ये आप देख रहे हैं, ये टिन शेड है पड़ा हुआ। गर्मी तो काफ़ी होती है फ्रेंड्स, लेकिन क्या किया जाए। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे, और आपको दिखाता हूँ अपने घर का बाकी हिस्सा। ये आप देख लीजिए, मेरी धन्नो खड़ी है यहाँ पे। ये मेरे मेन गेट है, ये मेन डोर, ये दरवाजा, ये गली आ रहा है आपकी। यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी होती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्टोर रूम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ें हैं फालतू सी, वो पड़ी रहती हैं यहीं पे, अपने लाइट के कलेक्शन, और यहाँ पे मोटर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका बाथरूम, ठीक है। ये सीढ़ी, जिस सीढ़ियों से हम लोग आए हैं, यहाँ पर ही आप देख रहे हैं ये किचन है, देख रहे हैं। और
बाथरूम है जहाँ पे मम्मी आराम करती है। और बाकी ये आ गया मेरा उसमें बाथरूम एरिया। ये मेरा वर्किंग एरिया जहाँ पर मैं काम करता हूँ, देख रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया इस तरीके से। तो गाइस मैंने आपको अपना पूरा घर दिखा दिया, छोटा सा ही है लेकिन ये अपना है। अपने विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी अभी नहीं हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया 2015 के अंदर, ब्रेन हैमरेज से उनका जो डेथ हुआ था। और पापा के जाने के बाद जो कुछ भी किया पापा ने, एक तरीके से आप जान लीजिए कि अपने बहुत अच्छा नहीं कमाते थे, लेकिन फिर भी एक छोटे से काम से उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे रहने के लिए, घर एक प्यारा सा घर बना दिया और इसमें हम लोग रहते हैं और सभी लोग मिल के एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की कोशिश करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज के ज़माने में मैंने बड़े बड़े सारे परिवार को टूटते हुए देखा है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है, घर की घर लोगों से ही बनता है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर को जोड़े रखें, बनाकर रखें, क्योंकि सबका घर एक अनमोल होता है, वो स्वर्ग ही होता है। मेरी दोनों प्यारी बच्चियाँ, ये तो नहीं थी जब से आ गई, ये सब अब साथ में ही रहती हैं कि पापा क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, ये तो हमेशा आप देख रहे हैं कि हाँ देखें अभी भी तैयार हो गई। कुछ कहना चाहती हो क्या तुम, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आप अपना प्यार इसी तरीके से अपने इस छोटे भाई पर बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें और अपना सहयोग दें ताकि मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।